अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे के सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नगीनास पकेट। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि वेडिंग सीजन इन है और बहुत सारी शादियां आ रही हैं और हम सब ने जाहिर तैयार भी होना है। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि हम अपने आई शेडोज को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो उनकी क्रीजिंग हो जाती है और वो जो है ना बाजू का तो ऐसे भी होता है के बिल्कुल ही जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है और हमारा जो आई शेडो बिल्कुल आंख पे होता ही नहीं है। तो हम अपने और आई शेडो को हम कैसे पॉप आउट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आई शेडो ऐसे होते हैं कि जिनके स्वॉच तो बहुत अच्छे लगते हैं बट जब हम उनको आंख पे अप्लाई करते हैं तो वो उतना अच्छे से कलर उठ के नहीं आता। तो हम अपने आई शेडो को कैसे पॉप आउट कर सकते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं, तो आज की वीडियो है ना उस टॉपिक के रिलेटेड है, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है तो मैंने सोचा कि ये भी एक बहुत ही मेजर मसला है, क्योंकि मुझे खुद इस मसले से मेरी आंख जो है ना पे आई शेडो वो नहीं टिकता था और ना ही उतना अच्छे से उठ के आता था, क्योंकि मेरे ना जो आईलिड्स है ना वो बहुत ज्यादा डार्क हैं, मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है इस वजह से। तो ये जो टिप है ना उन लोगों के लिए भी बेस्ट रहती है, क्योंकि जिनके डार्क सर्कल्स ज्यादा होते हैं ना उनको भी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए वर्क करना पड़ता है कि उनका आई शेडो जो ना उतना अच्छे से उठ के नहीं आता है। तो ये ज्यादातर उनके लिए तो बहुत बेहतरीन रहेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, और प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें गाइस। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी मेकअप रिलेटेड वीडियोज है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये जो है ना ये बहुत ही कमाल चीज है। ठीक है, लशियस कॉस्मेटिक्स का एंजल आई प्राइमर। अच्छा, तो अब जो है ना ये मैं आपके साथ चीज जो है शेयर करूंगी, लशियस कॉस्मेटिक्स का एंजल आई प्राइमर बहुत ही कमाल की चीज है ये। ठीक है, शेड है इसका न्यूड। अच्छा, न्यूड शेड का अब ये फायदा है कि इसमें ना मतलब कंसीलिंग के भी जो है ना खसूसियात वो शामिल है। इससे क्या होता है हमारे जो डार्क सर्कल्स है वो भी कट हो जाते हैं और जो हमें बहुत ही अच्छा सा क्लीन कैनवस प्रूव होता है आई शेडो के लिए। अब कुछ लोग ना जो है वो नॉर्मल कंसीलर भी यूज करते हैं और हम यूज कर सकते हैं। फायदा इसमें ये है कि ये जो स्पेशल आई शेडो बेस होती है वो आई शेडो को ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखता है और उसको क्रीजिंग से ज्यादा देर तक ना बचाता है। जब हम नॉर्मल कंसीलर यूज करते हैं वर्क तो वो बहुत अच्छा करता है बट हाँ वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जो आपको जो रिजल्ट्स है ना वो सेम मिलेंगे बट जो लॉन्ग लास्टिंगनेस जो है और उसकी और क्या कितने देर तक वो अच्छे से होल्ड कर पाता है, वो एक जो आई बेस होती है ना वो ज्यादा अच्छे से उस पर होल्ड रखती है। ठीक है, तो मैं अब आपको ना एक डेमो भी देती हूँ इसका। ठीक है, मैंने अब ये अपने ना हाथ पे एक साइड पे इसको मैं ले लूंगी। और मैं इसको ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हल्का सा ना ऑरेंज टोन में है तो ये जो है उसको भी बहुत अच्छे से कंसील भी कर देता है एट द सेम टाइम। मैं अब अपनी आंख पे इसको ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। पहले मैं इसको ब्रश से लगा लेती हूँ, फिर मैं हल्का सा इसका जो है ना ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये है ब्यूटी फॉर आमना का, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बेटर देन द ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, और मैं इसको ऐसे अच्छे से कर लेती हूँ। ये अब लग गया, अब मैं आपको दूंगी यहाँ पे डेमो। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, एक लाइट से शेड से आपने इसको सेट कर लेना है या फेस पाउडर से। तो मैं जो है ना मैं इस लाइट वाले शेड से ही इसी पैलेट से ही मैं ले लूंगी और मैं इससे ही इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। सेट करने से जो है ना ये और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और क्रीसिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, हो गया, मैंने इसकी दूसरी साइड यूज किया। अब मैं आपको फिंगर से जो है वो स्वॉच करके दिखाती हूँ। अब हम लेंगे ये वाला शेड। ठीक है, मैंने इस पैलेट का ये वाला शेड लिया, मैं इसको आपको बेयर स्किन पे करके दिखाती हूँ स्वॉच। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा पैची है ये आई शेडो। अच्छा, अब मैं आपको इसको ये बेस वाले पे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब दोनों का आप कलर डिफरेंस देखें। ये जो है ये सेम कलर जो उसमें पैलेट में ये सेम कलर वही आया है और ये है इसमें कितना डिफरेंस है कलर में। ठीक है, अब आपको अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। अब इसको ये देखें,
और ये चला भी गया। और जो ये है ये देखें, समझ हुआ, ये फर्क है इसका। तो इस वजह से जो आई बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके आई शेडो को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और जो है उसको ज्यादा अच्छा और पॉप आउट दिखाने के लिए। अब आप खुद इजीली इसका कंपैरिजन जो है कर सकते हैं। हम एक शिमर शेड भी सोच करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने शिमर शेड लिया है, इसको अब मैंने यहाँ पे बेयर स्किन पे लगाया, ठीक है। अब मैं इसको, इस सेम शेड को मैं, और ये देखें, इधर देखें और इधर देखें, ठीक है। तो भाई अब मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। यही वजह है कि जो आई शेडो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रिकमेंड करूंगी आपको ये लशियस की, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी जो प्राइस है ये मैंने सेल प्राइस में, अगर आप लेंगे चीज तो आपको और अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, पॉकेट फ्रेंडली रहेगी। मैंने ये 1000 रुपीज में बाय की थी ऑफ में, अब जो है इनकी प्राइजेस इंक्रीज हो गई हुई है। आप इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं तो उससे आपको ज्यादा अच्छा जो है वो आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज गाइस प्लीज 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 सब्सक्राइब करें चैनल ताकि और आपको मजीद अच्छी अच्छी मजेदार सी वीडियोस, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।